कि देखो मेरे मैं नेता तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है, कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने में आया था आपके बीच में। और अगर आप पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। वोट मांगने में आया था, जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए, और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार।